ओह माय गॉड, वेरी सेक्सी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, और कुछ नया नया लग रहा होगा। तो एक्चुअली क्या है कि मैं एक रूम में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरे साथ विशाल शर्मा है, और विशाल शर्मा मेरा दोस्त, जो हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। और पीछे वर्ल्ड मैप जो है वो पहले से लगा हुआ था, और पीछे सामान फैला हुआ है, क्योंकि हम निकल रहे हैं। हम मतलब अपने अपने घर निकल रहे हैं। और हम हैं कहाँ पे अभी? अभी हैं हम गुड़गांव में, क्योंकि कंपनी ने हमें रिज्यूम कॉल दे दी थी और हमें कंपनी से काम करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पर स्टे ले रखा है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत प्रीमियम जगह है, और IGI एयरपोर्ट पास में ही है। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, तो थोड़ा वॉच पॉच हो रखा है, तो उसको थोड़ा वो कर दीजिएगा। तो ये देखिए, इसमें सॉस वगैरह, और यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी रखे हुए हैं, शेरावाली माता है, और गंगा जल वगैरह रखा हुआ है। ये दो कबर्ड्स हैं, ये विशाल शर्मा, और क्या बोल रहा है, और ये रहा अपना सामान, इसमें लैपटॉप रखा हुआ है, और ये है अपना ऐसे कैजुअल सामान, फ़ोन चार्जिंग पे लगे हुए हैं, बॉटल रखी हुई है, और ट्राईपॉड्स वगैरह सब रखा हुआ है। तो इन सबको लेकर के अपन को चलना है आगरा, और आगरा में भी शूट करनी है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से एक भी शूट नहीं किया द ऑटो स्टूडियो के लिए। और ये हमें बढ़िया सा एक मिरर मिल रखा है, जिस पर सेल्फी बहुत अच्छी खिंच जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। ये देखो गाइस, बैग वगैरह टांग लिए, और ये लौंडा हमारा चल रहा है, और चल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम, थोड़ा सा ATM से पैसे निकालेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम मेट्रो स्टेशन। यार यहाँ पे लोग इतने बहन के टके हैं ना, क्या बताऊँ। चलो खैर, अभी आपको मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं, और आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखो, हमारे PG के पास एक प्रीमियम ऑटोज नाम का है, इसमें बहुत सारी महंगी महंगी कारें खड़ी रहती हैं। और आज हम सफारी कर रहे हैं। किसकी सफारी कर रहे हैं हम? अरे ये बोल नहीं पाएगा। हम ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में। तो सफारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ये सफारी, गुड़गांव की सफारी ऑटो में हो रही है, और सवारी हम ऑटो की ही कर रहे हैं, जो आप चाहें वो समझ लें। और यहाँ से हम जा रहे हैं MG रोड मेट्रो स्टेशन, और मैं दिखा देता हूँ आपको। इस ये देखो गाइस, ये है अपना सेक्टर 23 का, और ये हुडा मार्केट में हम रहते हैं, और बहुत पॉश इलाका है ये। यहाँ पर बहुत सारी सुपर कार्स भी निकल जाती हैं, और ये अपने भैया जो हमें लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं मेट्रो स्टेशन पर। और हम लोगों ने कैश निकालना था, कैश निकालना भूल ही गए हैं। ठीक है, क्या हो गया, ऐसे मत देख, अभी निकाल लेंगे, परेशान मत हो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो बहुत दिनों बाद आज ऑटो रिक्शा में बैठ करके मज़े आ रहे हैं, और अलग ही फील आ रहा है इस तरीके से। तो ये देखो, होंडा का शोरूम भी है, यहाँ पर बहुत सारे शोरूम हैं, और ये चल रही है अपने साथ मेट्रो लाइन। तो मेट्रो पे हम आने वाले हैं, और ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, और सामने मेट्रो स्टेशन आ गया है। ठीक है गाइस, तो आपको मिलते हैं सीधे मेट्रो में। और ये देखो, ये MG रोड मेट्रो स्टेशन ऐसा है, और जो सरप्राइज आपको देने वाला था वो ये है, वंदे भारत। और आज हम वंदे भारत से ट्रैवल करने वाले हैं आगरा के लिए। और ये देखिए, ये है कुछ लैविश इंटीरियर जो वंदे भारत का है, इसी में हम बैठ करके आगरा जाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर वगैरह और माइक्रोवेव सब चीज़ है, जिसमें आप खाना रख सकते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि किस में बैठे हैं हम, वंदे भारत, और क्लिप्स आपने देख ली होंगी। तो अभी 1.5 घंटे में पहुँचा देगी उनको आगरा में। ठीक है, तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं। जीप कंपस का रिव्यू करना है, उसको रिव्यू करेंगे, देन देखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों से। तो भाई आगरा आ चुके हैं, और ये है अपनी गाड़ी, और भाई वो विक्रम भाई और हंटर। तो अभी ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हुए थे, मिलने आया था मैं सारे दोस्तों से, और ग्रुप की मुलाकात कल होगी, क्योंकि आज सब लोग बिजी हैं, कहीं ना कहीं सैटरडे है कल, तो वीकेंड ऑफ रहेगा।
ठीक है, तो अभी चलते हैं इन लोगों से, तो मिल लिए हैं। संदीप अभी नीचे भाग गया, और ये देखो क्या मस्त फैसिनेटिंग व्यू है। तो अभी चलते हैं यार, अभी मेरा भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं दो तीन दिन से, तो दो तीन दिन से ना क्या हो रहा है कि यार थोड़े मूड खराब सा चल रहा है, रीजन क्या है पता नहीं है किस कुछ। अरे ये हमारे साथ एक और छपरी भाई। तो मूड यार एक्चुअली खराब चल रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों चल रहा है, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, मतलब मेरे पास साथ लाइफ में पहली बार हुआ है। और रुक जाओ एक मिनट, लाओ भाई वापस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें लाइफ में पहली बार होती हैं तो मैं खुद नहीं टैकल कर पाता हूँ, और मनाओ जा करके। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना उनका समझ में नहीं आता है, लाइफ में पहली बार हो रही है, खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो आपने वंदे भारत देखी, मैंने भी देखी, और कुछ खास मेरे को ऐसा लगा नहीं, लेकिन ये लगा कि हाँ इंडिया चेंज हो गया है बहुत, और ट्रेन में ट्रैवल करना ही बंद कर दिया, कार से ज़्यादा ट्रैवल होता था हमेशा यार। पता नहीं कभी और शेयर करूँगा, अगर शेयर कर पाया, हिम्मत रही इस चीज़ की शेयर करने की, मेरा बड़ा मन खराब सा रहता है, ठीक है, और इसी वजह से 15-20 दिन से शूट भी नहीं कर पाया। तो चलो मिलते हैं, घर जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो अभी हम MG पे आए हुए हैं, और यहाँ पर ना पूरी तैयारी हो चुकी है कॉमेट पे आने की। कॉमेट एक छोटी EV आई है जो टैगो को कंपटीशन देने के लिए, और ये पेट्रोल की हेक्टर प्लस खड़ी हुई है, एस्टर और ग्लॉस्टर, और ग्लॉस्टर किसको टक्कर देती है कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। तो ये देखो जी, मैं हूँ अभी MG हेक्टर प्लस के अंदर, कितना प्लस इंटीरियर है, प्रीमियम मतलब क्रूज कंट्रोल है, MG का लोगो कितना बढ़िया लगता है, और तो और ये एक्सेसिबल कितना है, देखिए ज़्यादा नीचे नहीं, एकदम लेवल के हिसाब से, मतलब हाथ जहाँ पर पहुँच जाए प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल है। और ये देखो बूट ट्रंक वगैरह खोलने के लिए सब चीज़ यहाँ पर दी गई है, ORVM कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, और पियानो ब्लैक फिनिश, और ये 14 इंच का स्क्रीन। तो ये ऐसी पूरी वीडियो देखने के लिए ना द ऑटो स्टूडियो पे जाओ और देख लो जा करके, वीडियो लाइव होने वाली होगी। अभी मैं आया हूँ तक कल्याण ऑटोमार्ट्स, और यहाँ पर जीप के शोरूम में, ये देखिए जीप कंपस, और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मेरिडियन का X, ठीक है, ये है 9-speed ऑटोमेटिक 4x2 लिमिटेड प्लस, देन ये है एक नाइट एंगल, और ये भी शायद नाइट एंगल ही है सेम, लेकिन ये वेरिएंट थोड़ा अलग है। और ये है S मॉडल जो सबसे बढ़िया लग रहा है, जो इसका कंट्रास्ट रखा गया वो भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए डार्क ग्रे शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है वाइट के साथ। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं द ऑटो स्टूडियो पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं जा करके।